हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना। कैसे हैं आप सब लोग? एंड अभी आज ट्यूसडे है एंड अभी टाइम हो रहा है अराउंड 7:20 एंड मैं किचन में हूँ। हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ, देन बेबीज का काम, यही सब स्टार्ट होगा आज सुबह का, जो मॉर्निंग से लेके जो नाइट तक का रूटीन स्टार्ट हो गया है। सो मैंने ऑलरेडी कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए फटाफट खाना पला लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैंने एक तरफ चावल बिठाने के लिए पानी बिठा दिया है गरम करने के लिए, एंड यहाँ पे दाल, मूंग दाल लिया है। तो दाल से पहले वो जो झाग निकलता है वो निकल जाए, फिर मैं सीटी लगाती हूँ। थोड़ा सा बस हल्दी, नमक एंड टमाटर डाल के सीटी लगा देंगे। सिंपल सा ही लंच बना रही हूँ आज मैं। कभी कभी ऐसे मन करता है ना कि सिंपल सा ही खाओ, तो और मुझे, मेरे हस्बैंड, बेबीज़ को, हमारे घर में, शायद सबको, आई थिंक उड़िया बंगाली सबके घर में दाल, चावल और ये आलू भाजा जो है बहुत फेमस है। तो आलू भाजा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है एंड थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च एंड थोड़ा अनियन फ्राई कर दूँगी एंड थोड़ा इसको, अनियन को फ्राई होने देंगे। एंड पानी मेरा गर्म हो गया है तो मैं अभी चावल डाल दूँगी उसमें, एंड अनियन भी लगभग फ्राई हो गए हैं तो अभी मैं आलू ऐड करूँगी। थोड़ा सा तेल मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है क्योंकि आलू भाजी जो बनता है, थोड़ा ज़्यादा तेल नहीं डालो तो वो आलू जो है थोड़े से कुरकुरे टाइप के नहीं बनते। फिर बाद में बनने के बाद तेल को हम साइड कर देंगे। यहाँ पर मैं एक साथ ही थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ ताकि मेरा भी लंच इसी में हो जाए, एंड हस्बैंड भी थोड़ा लंच जो है वो ज़्यादा लेके जाते हैं क्योंकि वो शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा देती हूँ। नहीं तो फिर वो इस टाइप के हैं कि वो बहुत ज़्यादा शेयर कर देते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं, इसलिए मैं हमेशा ज़्यादा लंच देती हूँ ताकि उनका भी पेट भरे और उनका जो शेयर करने की जो आदत है वो भी बना रहे। तो यहाँ पे बस इसको हम थोड़ा सा मिला लेंगे। इसमें मैंने हल्दी, नमक ही ऐड किया है और कुछ ऐड नहीं करना है, एंड इसको कवर करके 2 मिनट पका लेंगे। एंड यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल एंड 1 चम्मच घी लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा हींग एंड रेड चिल्ली लिया है। देन इसमें थोड़ा सा क्रश गार्लिक ऐड किया है एंड एक प्याज मैंने स्लाइस करके रखा था वो ऐड कर देंगे। प्याज जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए इसमें मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दूंगी, एंड बस तड़का हमारा रेडी है दाल में जाने के लिए। एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल दाल है बट बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे एंड हमारी जो दाल है वो बन के रेडी है। बस इसको 2 मिनट और पकाना एंड हो गया रेडी। एंड वहाँ पे आलू भी मेरा बन गया है, मैंने तेल साइड करने के लिए रख दिया है। अभी टाइम हो रहा है 9:40 एंड मेरा सारा काम हो गया है। हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके हैं कब का, बेबीज़ का भी टिफ़िन वगैरह पैक करके मैं नहा के पूजा कर दिया है मैंने। बस अभी बेबीज़ को उठाऊंगी, उनको रेडी करूंगी एंड उनका लंच मुझे प्रिपेयर करना है बेबीज़ का। वैसे वो दाल चावल जो बना है वो तो खा लेंगे,
और मैंने थोड़ा ज़्यादा भी बनाया कि अपने लिए भी बना लूँ, मतलब अपने लिए भी रख लूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा उनको स्कूल छोड़ कर थोड़ा बाहर जाना है, मुझे काम है थोड़ा। बट कल उन्होंने दाल चावल खाया था तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उनको कुछ और खिलाती हूँ। तो आज मैं कर्ड राइस बनाऊँगी उनके लिए। तो मैंने जो राइस है जो बनाया था उसको थोड़ा सा और ओवर कुक कर लिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट राइस खाते हैं, तो ओवर कुक कर लिया है। बस उसमें दही मिला के उसको रख के चली जाऊँगी, जब वो स्कूल से आएंगे तभी उनको तड़का लगा के उनको दे दूँगी। अभी उनको उठा के सो रहे हैं, उनको रेडी करना है, उसके बाद बर्तन वगैरह भी रखना है। फटाफट मैं काम निपटाती हूँ क्योंकि मुझे उनको स्कूल छोड़ के फटाफट मुझे निकलना है कहीं पे। मिलते हैं आपको बाद। वैसे हनी बनी को कर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड गर्मियों में कर्ड राइस खाना अच्छा भी होता है, पेट भी ठंडा रहता है, तो इसलिए मैं अभी ऐसे ही बस दही के साथ मिला के चली जाऊँगी, ताकि चावल जो है वो थोड़ा सा दही अब्जॉर्ब कर ले। देन जब वो आएंगे तब उसमें मैं तड़का लगा दूँगी, बस मस्टर्ड सीड और थोड़ा सा घी एंड करी पत्ता, बस यही इसी का तड़का लगा के उनको दे दूंगी। इसमें बस थोड़ा सा मुझे सॉल्ट डालना है और थोड़ा सा शुगर ऐड करूंगी, ताकि उसका जो दही का जो, वैसे तो दही ज़्यादा खट्टा नहीं है, फिर भी दही का खट्टापन जाने के लिए और टेस्ट भी अच्छा आता है इससे। हनी पनी का इधर नहाना चल रहा है, एंड ये देखिए ये सारी चीजें भी उनके साथ नहाती हैं। फिर जब उनको उठाने की पोछने की बारी आती है तो ये सब इन सबको पहले पोछा जाता है, फिर वो दोनों आएंगे। देखो कम कम पुलिस का ड्राई ऑलरेडी ड्राई, यू कम 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 क्या Yes, now wearing cap. बैग। हाँ चलो चलो खाना खाए खाना खाए खाना खाए खाना खाए बा। भारतीय चिकन रुको, मॉर्निंग आवर से खा के लिए भी ब्रेकफास्ट है। नो भारतीय चिकन हनी बनी अभी टीवी देख रहे हैं, अभी 5 मिनट है बस को आने में, तो 2-3 मिनट के बाद मैं नीचे जाती हूँ उनको लेके।
एंड उसके बाद मुझे थोड़ा बैंक जाना है, बैंक में कुछ काम है। वैसे तो मुझे बैंक वगैरह मतलब ये सब हैंडल करना, विश्रुति हैंडल करते है सारा, बट ये मेरा अकाउंट है और वो सैलरी अकाउंट था जब मैं काम जॉब करती थी यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ जाऊँगी पहले, देन मुझे कुछ घर का जो छोटा मोटा होता है सब्जी वगैरह, वो जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, दूध दही वो सब जो ख़त्म हो गया वो लेके आऊँगी। फिर हम लोग शाम को जाएंगे, क्योंकि जो बल्क वाला जो सामान आता है ना, चावल तेल दाल ये वगैरह सब, ये फिर मैं हस्बैंड के साथ में जाके लेके आती हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। और फिर मैं पास से वो नहीं लेती हूँ, फिर मैं वो जाती हूँ बड़ा सुपरमार्केट जाती हूँ, वहाँ पे वहाँ से लेके आती हूँ। अभी बस जाऊँगी थोड़ा सा जो आज सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत एंड दूध दही ये सब लेके आ जाऊँगी। एंड सारा काम हो गया है इसलिए जल्दी जल्दी सुबह जल्दी जल्दी फटाफट काम निपटा लिया, ताकि मैं ये सब काम ख़त्म करके 2 बजे से पहले घर आ जाऊँ। इनका मस्ती अभी भी चल रहा है। सुबह उठते के साथ ही उनको कार चाहिए, कार चाहिए मतलब नहाते टाइम पहले कार नहाएगा फिर वो नहाएंगे, फिर जब पोछने की बारी आती है पहले कार को पोछा जाएगा फिर उनको पोछा जाएगा, फिर खाना खिलाते टाइम पहले कार खाएगा फिर वो खाएंगे, और पुलिस कार, और कोई कार नहीं पुलिस कार। पता नहीं क्या शौक है उनको इतना पुलिस कार से। और कल हम गए थे इवनिंग को, क्योंकि टूट भी जाता है ना पुलिस कार, ऐसे फेंक देते तो टूट जाता है, फिर रोना धोना, रात को सोते टाइम भी पुलिस कार पकड़ के ही वो सोएंगे। तो इसलिए कल हम करीब कितना 8 पेयर पुलिस कार लेके आए, ईच 8 जैसे होगा 16 के करीब पुलिस कार लेके आए। मैंने बस अभी उनको 2 ही दिया है, बाकी सब मैंने रखा है, जैसे जैसे तोड़ेंगे वैसे वैसे दूंगी, इसलिए हल्का सस्ता वाला है कुछ लेके आए हैं, ताकि वो तोड़े तो भी चलेगा। पुलिस का दिन भर उनको पुलिस कार चाहिए, रात में मतलब पूरा गहरी नींद में जब तक नहीं हो तब तक उनके हाथ से आप पुलिस कार नहीं छीन सकते हो। तो चलिए फिर मैं भी नीचे जाती हूँ, बस के आने का टाइम हो गया है, फिर आपको मिलती हूँ आने के बाद। गुम गुम। गुम गुम। गाइस मैं वापस आ गई हूँ एंड टाइम अभी 12:30 हुआ है, तो जल्दी काम ख़त्म हो गया, बट बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, या तो मतलब गर्मी तो है ही, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा टाइम भी मतलब टैक्सी के लिए वेट करने में ही पसीने निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैं और वो जो सब्जी वगैरह लेना था मैं वो गई नहीं, फिर इतना अर्जेंट नहीं है, अभी नहीं चाहिए, शाम को आएगा तो चलेगा, तो इसीलिए एक साथ ही हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी, सारा लेके आऊंगी। तो अभी टाइम है तो मैं फटाफट, अभी लंच तो मेरा बन गया है, रेडी है, मतलब मैं तो वो खा लूँगी, बस मैं फटाफट डिनर बना लेती हूँ, और फिर क्योंकि फिर बेबी आ जाएंगे तो आपको पता है वो कुछ करने नहीं देंगे, तो मैं फटाफट डिनर बना देती हूँ। आज डिनर में मैं राजमा बनाऊँगी, मैंने राजमा भिगो के कल रात्रि भिगो के रखा था, तो मैं आज राजमा बनाऊँगी। एंड हस्बैंड मोस्टली अगर चावल लेके जाते हैं तो वो रोटी खाते हैं रात को, अगर रोटी लेके जाते हैं तो चावल खाते हैं रात को, बट वो आज चावल लेके गए हैं तो होपफुली रोटी तो खाना चाहिए रात को, बट फिर भी मैं उनको पूछ लूँगी, क्योंकि राजमा जब बनता है तो उनको राजमा चावल खाना बहुत पसंद है, राजमा चावल विद सम दैट स्लाइस्ड अनियंस एंड चटनी, ग्रीन चटनी उनको बहुत पसंद है, तो मैं उनको पूछ लूँगी, अगर वो जैसे भी बोलेंगे, अगर चावल बनाना होगा चावल बना दूँगी, अगर रोटी बोलेंगे तो रोटी बना लेंगे। तो एनीवे जो भी है मैं फटाक से अपना वो फिनिश करती हूँ अपना काम, देन फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े कपड़े भी फोल्ड करने, और हनी बनी क्या कर रहे हैं, संडे को भी यूनिफॉर्म गंदा करके आए थे एक दिन में ही, सेकंड डे में भी एक और यूनिफॉर्म मैंने पहना के भेजा, तो मंडे वाले दिन वो उस दिन भी पूरा गंदा करके आए थे, तो इसीलिए मैंने
सारे यूनिफॉर्म साथ धो लिए थे और वो सूखे नहीं थे, तो हल्का सा गीला था और मैंने उसको उसलिए प्रेस करके उनको एक जोड़ी तो पहना के भेजा है। तो बाकी जो सब कपड़े हैं उसको भी अभी प्रेस करने हैं एंड कुछ फोल्ड करने हैं। यही सब घर के छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं, तो वही पहले फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो राजमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, देन 2 तेज़पत्ते ऐड किए हैं, थोड़े से हींग ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, देन 1 अनियन, 1 इंच सिनेमन जो दालचीनी एंड थोड़े से ब्लैक पेपर मैंने ग्राइंड कर दिए थे, बस उसी को फ्राई प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे 1 इंच अदरक, 2-4 लहसुन की कलियाँ एंड थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने ग्राइंड कर दिया है, उसको हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे एंड जब तक मसाले का जो रॉ स्मेल है वो चला नहीं जाता है उसको भून लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर प्यूरी बना लिए हैं, उसको ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा नमक ऐड करके ताकि टमाटर जल्दी पक जाए उसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, 2-3 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। एंड यहाँ पे मेरे टमाटर डन है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड थोड़ा सा राजमा मसाला मैंने यूज़ किया है, उसको अच्छे से चला लेंगे। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी एंड कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रखा हुआ है उसको भी शामिल कर देंगे एंड इसको बस 30 सेकंड के आसपास पका लेंगे। एंड राजमा को मैंने रात भर भिगो के ऐसे ही 5 सीटी लगाया था, राजमा देखने में खिले खिले बट छूते के साथ ही ये बिल्कुल गल जा रहे हैं, तो परफेक्ट कुक हुए हैं राजमा। इसको हम 2-3 मिनट बस भून लेंगे मसालों के साथ एंड पानी मैंने गरम करने के लिए बिठाया है, बस पानी ऐड करके इसको और 5-6 मिनट पका लेंगे एंड बस हल्का सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि राजमा बॉईल करते टाइम भी मैंने नमक ऐड किया था एंड मसाले में भी नमक ऐड किया था। बस मेरा राजमा डन है, थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स एंड राजमा इज रेडी। बिस्किट खाई, वेयर इज द पुलिस कार, शो योर पुलिस कार टू एवरीवन, शो, ब्रिंग एंड शो योर पुलिस कार, दिस वन इज रेड कलर पुलिस कार, माय पुलिस कार, ओह यू आर शोइंग, थैंक यू हनी बनी, बैक फ्रॉम स्कूल। आज हनी स्कूल बस में सो गया था, है ना बेबी, नींद नहीं आ गई। देखो वेयर इज द व्हाइट कलर पुलिस कार, इज हनी, हां दिस वन इज रेड, वेयर इज योर व्हाइट कलर पुलिस कार, गो ऑन गो ऑन ब्रिंग योर व्हाइट कलर पुलिस कार, गो गो ऑन ब्रिंग व्हाइट कलर पुलिस कार, गो हनी बनी का लंच हो गया है, कर्ड राइस, और मैंने भी लंच कर लिया है, मुझे एक्चुअली राइस दाल और आलू भाजी खाने थे बट राजमा गरम गरम राजमा, मुझे भी राजमा चावल बहुत पसंद है तो मैंने राजमा चावल ही खा लिया, चटनी बना ली एंड प्याज के साथ में। सो बस यही है, बस उन लोगों को मैं लेके आऊँगी क्योंकि वो फीडिंग चेयर में ही बैठे हैं, सो नहीं रहे हैं क्योंकि बस में हल्का सा नैप ले लिया है उन्होंने, 10 मिनट का नैप ले लिया तो अभी सो नहीं रहे, तो उनको घर में रूम में ला के अंधेरा करके सुलाना पड़ेगा। सो विद दिस आई विल एंड टुडेस ब्लॉग एंड काम तो चलता ही रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था सुबह से आज, बट एनीवेज जैसे कि मैंने बताया था मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है, अभी थोड़ा सा थक गई हूँ तो थोड़ा सा अभी आराम कर लूँ जब हनी बनी सोएंगे एंड फिर शाम को उठ के शॉपिंग भी जानी है एंड डिनर तो बन गया ऑलरेडी, बस शॉपिंग करके आएंगे एंड डिनर करके सो जाएंगे, शाम को और ज़्यादा काम नहीं रहेगा।
रिलैक्स हो जाइए विद दिस आई एंड टुडेस ब्लॉग. होप यू हैव एंजॉयड. इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल फैमिली. सी यू ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन बाय बाय. टेक केयर. लॉट्स ऑफ लव.